हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं आज के टास्क में आज हमको क्या पढ़ना है, क्या रिवीजन करना है, क्या मैपी टास्क कवर करना है। और न्यू मेंबर के लिए यहाँ पर हम बता देना चाहते हैं, अगर आप लोग यूपीएससी और स्टेट बीसीएस की तैयारी करते हैं या करने की सोच रहे हैं तो आप इस टास्क को फॉलो कर सकते हैं, जिससे अपनी पढ़ाई को और ज्यादा इम्प्रूव और एनहांस कर सकते हैं। क्योंकि ये जो टास्क है बहुत ही सिस्टमेटिक रूप से आप लोगों के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे आप लोग एक व्यवस्थित तैयारी कर पाए। और लाइव क्लासेस भी आप लोगों के लिए डेली दी जाती है, जिससे आप लोग मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है वो आपका बन सके। लेकिन आपको पढ़ना भी बहुत जरूरी होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम हमेशा आप लोगों से बोलते हैं, तो पढ़ना भी बहुत जरूरी है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि आज आपको क्या पढ़ना है। तो आज आपकी तैयारी का यहाँ पर 44वां दिन देखने को मिलेगा, और आज डेट है वो 30 अगस्त है। तो आज आपको देखिए जो 12th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी है वो आपको पढ़नी है, यानी कि जो आप लोग पढ़ रहे थे उसी के आगे के चैप्टर आप लोगों को पढ़ने हैं, जिसका नाम है द थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट वन के नाम से आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 12th क्लास में आपको 3 हिस्ट्री की एनसीईआरटी देखने को मिलेंगी, एक है एशियंट, मेडिवल और एक मॉडर्न आपको देखने को मिलेगी। तो ये एशियंट हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी पार्ट वन में। तो देखिए यहाँ पर 2 चैप्टर, एक आपको 5th चैप्टर और एक आपको 6th चैप्टर आपको पढ़ना है, यानी कि 5वां और 6वां जो आपका अध्याय है, चैप्टर है, वो आपको पढ़ना है। देखिए इसमें देखिए जो 5वां चैप्टर है उसको थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज आप लोग ले लेना, ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना है। बहुत ज्यादा आप लोग एकदम डीप में चले जाएं ऐसा नहीं करना है, लेकिन जो मेन मेन ट्रेवलर्स थे उनके बारे में आपको पढ़ लेना है कि उनकी नजर में भारत कैसा था, किस प्रकार से उन्होंने भारत को डिफाइन किया। ओके, तो एक तरह से उनका उनका क्या परसेप्शन था, ये वो चीज आपको देख लेनी है। ओके, तो आपको ये थोड़ा इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये देखिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ, लेकिन ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा जो आपको 6वां है। देखिए यहाँ पर भक्ति सूफी आंदोलन जो चला था ना उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो जो भक्ति सूफी आंदोलन था वो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन भी पीटी और मेंस दोनों में अच्छे खासे पूछे जाते हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, अगर इसके नोट्स भी बनाना चाहते हैं तो आप लोग इस जो लेसन नंबर 6 है इसके नोट्स भी बना सकते हैं। तो देखिए भक्ति सूफी ट्रेडिशन के बारे में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखिए हम लोग रिविजन भी आप लोगों को देंगे, तो रिविजन क्या करना है, तो रिवीजन देखिए आपको यहाँ पर टास्क नंबर 6 का स्टार्टिंग का 1/4 पार्ट कवर करना है। 1/4 पार्ट यानी कि आप जितना भी आपको टास्क नंबर 6 दिया गया था ना, टास्क नंबर 6 को 4 भागों में डिवाइड कर लीजिएगा। आपको 4 दिनों में टास्क नंबर 6 रिवाइज करने के लिए दिया जाएगा। अच्छा, टास्क नंबर 6 में क्या था जिन लोगों को ना पता हो, भूल चुके हो, इसीलिए कहते हैं ठीक टास्क लिख लिया करिए। देखिए यहाँ पर हम टास्क नंबर डाल देते हैं, जैसे ही एनसीईआरटी नेक्स्ट एनसीईआरटी आती है तो यहाँ पर टास्क नंबर चेंज हो जाता है ऐसा करके। ओके, तो देखिए टास्क नंबर यहाँ पर 6 में दिया रखा था कि जो आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी थी वो आपको ज्योग्राफी की पढ़ने के लिए दी गई थी, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण देखने को मिलेगी। ओके, उसको अच्छे से रिवाइज करिएगा आप लोग। और आपका जो विजन की टेस्ट सीरीज सॉल्व कराई जा रही है उसमें टेस्ट पेपर जो नेक्स्ट टेस्ट पेपर आने वाला है वो ज्योग्राफी का ही आने वाला है, तो काफी हेल्प भी मिलेगी, रिविजन भी आपका हो जाएगा। इसके अलावा देखिए इकोनॉमिक्स का आपको रिविजन करना है, यहाँ पर हम चेंज करना भूल गए, यानी कि 4th नंबर का है ये आपको रिविजन करना है। आज देखिए हम कैमरा यहाँ से हटाना भूल गए, तो कैमरा हिल रहा है, पता नहीं रिकॉर्डिंग के बाद हो सकता है, ये तो ज्यादा नहीं लिखेंगे यहाँ पर, चलिए कोई बात नहीं। एक्चुअली मेज के ऊपर ही कैमरा रखा हुआ है, तो जैसे मेज थोड़ा हिल रहा है ना तो पूरे कैमरा हिल रहा है, पता नहीं कैसी वीडियो बन रही हो, कोई बात नहीं, हम ज्यादा नहीं लिखेंगे। इस देखिए यहाँ पर आपको टुडे न्यूज़पेपर है वो आपको पढ़ना है, जैसे कि टुडे न्यूज़पेपर आपको देखने को मिलेगा, जो भी न्यूज दे रखी हो वो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पूरी की पूरी पढ़नी है, सारी की सारी पढ़नी है। पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा जाता है, लेकिन जो महत्वपूर्ण होता है वो आपको पढ़ना है। ओके, और कौन सा महत्वपूर्ण है नहीं जानते तो कमेंट कर दीजिए, आपको एक वीडियो का लिंक शेयर कर दिया जाएगा। इसके अलावा देखिए लाइव क्लासेस आपको देखनी है, तो लाइव क्लासेस आपकी 3 बजे एक क्लास होगी जो पीसीएस की होगी, और साथ में एक क्लास आपकी 6 बजे होगी जो आईआर पर बहुत ही प्रीमियम क्लासेस आप लोगों की चल रही है। चलिए हम लोग मैपिंग टास्क देख लेते हैं, तो ज्यादा आज मैपिंग टास्क के बारे में नहीं बताएंगे क्योंकि हम ज्यादा लिखेंगे तो कैमरा हिलेगा। तो देखिए यहाँ पर नील रिवर है जो अफ्रीका है, तो अफ्रीका में ही आपको एक नील नदी देखने को मिलेगी, तो उसी नील नदी के बारे में आप लोगों को देखना है, तो उसी की उसी से संबंधित कुछ लेख हैं, इसके अलावा उसकी कुछ ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदियां हैं उनके बारे में दिया रखा है। तो बहुत ही छोटा टास्क है, आप लोग देखिए इस तरह से मैं साइड से हट जाता हूँ, तो देखिए इधर आप लोग इस तरह से मैप भी देख सकते हैं, मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा क्योंकि कैमरा ही लेगा। तो देखिए यहाँ पर आपको एक विक्टोरिया लेक देखने को मिलेगा, लेक आपको नेसर देखने को मिलेगा, तो देखिए नीचे आप लोग देखेंगे तो विक्टोरिया लेक है ये, और ऊपर आप लोग देखेंगे तो ये लेक नेसर आपको देखने को मिलेगा। देखिए वैसे तो नील रिवर है वो 2 नदियों से मिलकर के बनती है, एक आपको श्वेत नील देखने को मिलेगी और एक आपको ब्लू नील देखने को मिलेगी। ओके, तो इन 2 से मिलकर के बनती है, जो श्वेत नील है वो नीचे से आती है, यानी कि आपको यहाँ से देखने को मिलेगा
जो विक्टोरिया लेक है वो यहाँ से आती है, और देखिए यहाँ पर आपको लेक ताना देखने को मिलेगा। ये लेक ताना से यहाँ पर ब्लू नील निकल के आती है, और दोनों आती हैं, और यहाँ पर आपको सूडान में आपको देखने को मिलेगा, खारतूम ही हिल रहेगा, कोई बात नहीं, खारतूम में आपको देखने को मिलेंगी, आकर के मिलती हैं, और मिलने के बाद में फिर ये सिर्फ और सिर्फ नील नदी कहलाती है। यानी कि एक तरफ से क्या आती है, ब्लू नील आती है, एक तरफ से क्या आती है, व्हाइट नील आती है, दोनों आपस में आकर के सूडान के खारतूम के पास में मिलती है और आगे बढ़ती है, तो जाकर के फिर क्या बन जाती है, नील नदी बन जाती है। नील नदी है वो विश्व की सबसे लंबी नदी देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखिए आज ज्यादा नहीं बताएंगे, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए इनको बहुत ज्यादा आपको डीप में नहीं पढ़ना है, ट्रिब्यूटरी को बस एक बार इनकी जो सहायक नदियां हैं उनको देख लेना है, बस बहुत ही ब्रीफ में एक देख लेना है, कभी कभार पूछ लेगा, इतना ज्यादा डीप में नहीं जाना है कि कहाँ से निकल रही है इनकी सहायक नदियां, भी देखो कि कहाँ से निकल रही है, कहाँ पर सारी मिल रही है, नहीं इतना डीप में नहीं, बस एक बार इनका नाम देख लेना है, बस नील रिवर कहाँ से निकल रही है, इसमें मुख्य मुख्य कौन से लेक है वो आपको देख लेना है, कहाँ पर जाकर के निकलती है, कौन से सागर में निकलती है, कौन सी खाड़ी में जाकर के निकलती है, ये बस लोकेशन देख लेना है, पढ़ाएंगे तो हम सारी चीजें आप लोग के लिए। ओके, तो अभी आपको मैपिंग पढ़ाया नहीं जाता, सिर्फ लोकेशन देखने की प्रैक्टिस करनी है, आपको थोड़ी सी लोकेशन याद हो जाए, बस इतना ही करना है, याद तो कराने की जिम्मेदारी हमारी है, तो वो हम आपको जिम्मेदारी अपनी पूरी कर देंगे जब आप लोगों की क्लास देंगे। ओके, देखिए विजन का जो आपको टेस्ट सीरीज है वो आपको एवरी संडे 10 बजे लाइव क्लास में दिया जाता है, लेकिन अब 50-50 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, तो 2 दिन में सॉल्व किया करेंगे, एक बुधवार को एक रविवार को, तो इस बार बुधवार को नहीं होगा क्योंकि कल ही हम लोगों ने टेस्ट पेपर सॉल्व किया था, अगले बुधवार से हम लोग यानी कि रविवार को भी सॉल्व किया करेंगे और बुधवार को भी हम लोग सॉल्व किया करेंगे। ओके, और ये आपकी 6 बजे शाम को क्लास, बहुत ही प्रीमियम क्लासेस हैं जो IAR पर चल रही हैं, आकर के जरूर ज्वाइन करिए अगर आप लोग UPSC स्टेट टेस्ट की तैयारी करते हैं और अपना जो अप्रोच है वो मल्टी डायमेंशनल करना चाहते हैं, और किस तरह से आपको सोचना होता है अगर एक आप ऑफिसर बनना चाहते हैं। देखिए इस तरह से आपको टास्क के सभी महीने में वन बाई वन सारी NCERT आपको कवर कराई जाएंगी। इसके अलावा 3 बैचेस हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए लॉन्च किए हैं, ये सारे यूट्यूब पर ही चलाए जा रहे हैं, इस बार हमारी ऐप पर क्लासेस नहीं चल रही है, तो आप लोग यूट्यूब पर आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपको क्लासेस का शेड्यूल देखने को मिलेगा, ये देखिए दोनों लाइव क्लासेस हैं, ज्यादा लिख नहीं सकते हैं जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये क्या है लाइव क्लासेस हैं और ये क्या है रिकॉर्डेड क्लास आपको देखने को मिलेगी, तो आकर के ज्वाइन करिए। चलिए इस लेक्चर को यहाँ पर ही फिनिश करते हैं, वरना हमें दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ेगा इसको। ओके, क्योंकि हिल गया थोड़ा सा अभी तो।